पहला स्टेप ऑब्वियसली ब्लेंडर डाउनलोड करना है, बट क्योंकि मेरा ब्लेंडर डाउनलोड है आप कर लीजिएगा, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होगा कि हम जैसे ही ब्लेंडर डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे ब्लेंडर को, तो हमें यहाँ पर अपना ब्लेंडर वर्जन दिख जाएगा। न्यू फाइल, हम कोई भी किसी भी तरीके का प्रीसेट खोल सकते हैं इनमें से जो ब्लेंडर ने पहले से बना के रखे हुए हैं। हम कोई अपनी पुरानी रीसेंट फाइल खोल सकते हैं, यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की डायरेक्टरीज में जाकर ओपन कर सकते हैं फाइल, और यहाँ से लास्ट ये ऑप्शन है कि हम अपना लास्ट जो सेशन जिस पर हम काम कर रहे थे उसे ओपन कर लें। पर अभी हम जनरल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा व्यू पोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारा व्यू पोर्ट है, जो ये जितना भी एक ये 3D सा एरिया दिख रहा है, ये इतनी सी स्क्रीन दिख रही है, ये नीचे वाली अलग है जहाँ पर ये एरो आ रहा है, ये कट हो रही है, तो ये वाला व्यू पोर्ट है, इसे 3D व्यू पोर्ट कहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 3D व्यू पोर्ट। तो सबसे पहला काम है कि एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में हमें इनपुट में ध्यान रखना, इनपुट में एमुलेट थ्री बटन माउस ऑन करना है ताकि हम काम कर सकें, और ऑटो सेव प्रेफरेंसेस को भी टिक कर लेना ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करें तो ये बटन ऑफ ना हो रखा हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास एक माउस है जिसमें एक व्हील, नॉर्मल जो माउस होता है, दो बटन वाला ब्लूटूथ माउस या कीबोर्ड है, तो आप आसानी से काम कर सकते हो। आप ऑल्ट दबाकर, एक सेकेंड मैं स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर लूँ, तो आप ऑल्ट दबाकर 3D व्यू पोर्ट में ऐसे मूव अराउंड कर टर्न अराउंड कर सकते हो सबसे पहले, और फिर है ऑल्ट कंट्रोल, आप लेफ्ट माउस बटन को दबा के करना है ये, और व्यू पोर्ट में ही काम करता है, जूम इन एंड आउट होता है ऑल्ट कंट्रोल से, और ऑल्ट शिफ्ट से आप पैन कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट, मतलब अपने 3D व्यू पोर्ट के सीन के अंदर। सो ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपने क्यूब के किसी भी कॉर्नर को देख सकें, अप या डाउन। लेफ्ट माउस बटन दबाना है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट कंट्रोल के साथ, या फिर ऑल्ट शिफ्ट के साथ, तो आप ये तीनों चीज़ें कर पाओगे और अपने ऑब्जेक्ट के आसपास इसे मूव कर पाओगे जैसे भी आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।